86 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फ्रेशर्स के लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस के लिए हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, जो फ्रेशर्स हैं उनको इन पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पार्ट वन जो है ये फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है। इसमें 32-34 क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग आपका आंसर हो सकता है। आपको क्या करना है, गूगल से आंसर लिखिए, यूट्यूब से आंसर लिखिए, कहीं से भी लिखिए, अपने नोटबुक में लिखना है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप बता सकते हो, मेरा नाम ये है, मेरे पास इस चीज की स्किल्स है और मैं यहाँ पर रहता हूँ, और क्या बोलते हैं, मैं आपकी कंपनी के लिए ये कर सकता हूँ, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ दिस बिजनेस। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप यहां से पढ़ सकते हो रिलेबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है, वगैरह वगैरह, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप खुद का स्ट्रेंथ देखना, जिसको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको खुद ही पता है, ठीक है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, नेवर गिव अप वाले हैं, आप इस तरह के जो भी स्ट्रेंथ है आपकी आप देख सकते हैं। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, आपकी कम्युनिकेशन वीकनेस है या फिर कुछ और वीकनेस है, आप प्रॉपर लिख सकते हैं। आपकी बहुत ज्यादा किसी को ऑनेस्ट करने का वीकनेस है, ऐसा कुछ भी है, वर्कहोलिक है, आप बता सकते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन है जो फ्राइडे को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स जो आपने अपने लाइफ में किया, उसमें सबसे टफ आपको क्या लगा, सबसे अच्छा आपने क्या किया है। तो कुछ अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आप बता सकते हैं। व्हाई डिड यू पिक कॉल, ठीक है, आप क्यों कॉल को पिक किए, तो आप ऐसा दे सकते हो कि मैं इस चीज को देख रहा हूँ, इसके लिए मैंने कॉल पिक किया। कैन यू हैंडल प्रेशर्स, क्या आप अपने हैंडल कर सकते हो प्रेशर्स को, पूछ सकते हैं कितना, या फिर कोई एग्जाम्पल, तो आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए कि मैंने इस सिचुएशन में ये हैंडल किया था। सो डेफिनेटली उससे कंपनी को आइडिया लगता है, तो कंपनी क्यों पूछती है कि कैन यू हैंडल प्रेशर, तो कंपनी को आइडिया लगता है कि आपके अंदर कितना है, कि प्रेशर हैंडल करने का लेवल है, उसके हिसाब से वो आपको टास्क देगा। हाउ डू यू हैंडल डेडलाइन, जैसे मैंने डेडलाइन दे दिया ना आपको कि कल आपको लेक्चर नंबर 10 तक कंप्लीट ऑटोकैड वॉच करना है और प्लान करना है, तो इसको आप किस तरह से देखती हो। अब एक होगा जो जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वो क्या कहेगा, चलो यार कर देंगे, दो लेक्चर वॉच करना है, वॉच करके प्लानिंग कर लेंगे। जो एक ऐसा इंसान होगा, अरे कुछ नहीं है, आप तो क्या, वो निगेटिव हो जाएगा। तो आप कैसे हैंडल करते हो प्रेशर्स को, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। डेडलाइन को कैसे हैंडल करते हो, व्हाई शुड हायर यू, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अपने लैंग्वेज में दे सकते हो कि मेरे पास एक अच्छा स्किल्स का नॉलेज है, बहुत से लोग मिलेंगे आपको, लेकिन मेरे अंदर ये क्वालिटी सबसे बेस्ट है, जिसकी वजह से आप वो मुझे हायर करना चाहिए। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, एक फ्रेशर से जरूर पूछा जाता है कि आपको घर से आसपास कहीं आज जाना पड़ा, दूर जाना पड़ा, कोई समस्या तो नहीं होती, इससे आइडिया लगता है कि सामने वाला इंसान कितना फ्लेक्सिबल है। डेफिनेटली डिजाइन के जॉब में कोई भी किसी को भेजता नहीं है, बहुत रेयर है कि कोई जाए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने का अच्छा तरीका। डू यू थिंक योर ग्रेड्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट योर एबिलिटी, जो आपने कॉलेज में डिग्री पाई हुई है वो डिग्री क्या सच में आपके क्या बोलते हैं, अभी जो आप काम कर रहे हो इस पर कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है कुछ, व्हाट मोटिवेट यू टू पुट फोर्थ योर ग्रेटेस्ट एफर्ट्स, ठीक है। आप काम करने के लिए आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, सैलरी या फिर आपकी हॉबी या फिर मजबूरी, जो भी है, मजबूरी ना बोल देना गलत हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कुछ भी आप अपने आंसर्स में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में व्हाट्स व्हाट्स यू हैव डन शो इनिशिएटिव, ठीक है, आपने इनिशिएटिव को लिया है तो उसमें से सबसे अच्छा कौन सा ऐसा काम किया है, कि व्हाट हैव यू डन दैट शोस क्या बोलते हैं इनिशिएटिव, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा कुछ आपने किया है पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम वगैरह वगैरह कुछ, ठीक है। ये मैं फ्रेशर्स को लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स के पास टाइम होगा, वो लिख सकते हैं आंसर को, और एक्सपीरियंस को मैं ये मान के चलता हूँ उन्होंने इन क्वेश्चंस को फेस कर लिया होगा, तो पढ़ लेंगे तो उन्हें आइडिया लग जाएगा। और फ्रेशर लोग प्लीज लिखना, अपना फुल टाइम इसमें देना। इफ यू कुड लिव योर लाइफ ओवर अगेन, व्हाट वुड यू डिफरेंट, अगर आप फिर से जन्म लेते हैं, फिर से ह्यूमन बनते हो, तो आपका क्या इच्छा रहेगी, आप फिर उसको जन्म लेंगे। What did you learn in your college career? अपने college career से आपने क्या सीखा? College में आपने क्या सीखा?
डिसिप्लिन सीखा, हैबिट सीखा, कुछ इनिशिएशन लेयर नया सीखा, कुछ भी सीखा। डू यू हैव प्लान टू कंटिन्यू योर एजुकेशन? तो आप पहले से आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपको कंपनी बोल रहा है नो, नहीं तो कंपनी सोचेगी यार इनको पढ़ने में डेडिकेटेड रहेगा। देखो ये क्वेश्चन के आंसर अगर आप पहले से प्रिपेयर करके बैठे हो ना, तो कंपनी आपको हिला नहीं पाएगी क्योंकि आप प्लान करके बैठे। कुछ लोग कैसे सोचे नहीं रहेंगे, अभी से मैं पूछ लूं कि हाउ वाज योर कॉलेज एजुकेशन फंडेड, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को मेरे ग्रैंडफादर ने पढ़ाया, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे पढ़ाया, आप हो सकता है फादर ने पढ़ाया हो, मदर ने पढ़ाया हो, ब्रदर ने, सिस्टर ने, जिसने पढ़ाया आपको क्लियर हो सकता है, किसी ने लोन भी लिया होगा। व्हाट आर योर हॉबीज? तो हॉबीज सोचना नहीं है इंटरव्यू में जाके, पैनल में बैठे हो फिर सोच रहे हो कि यार मुझे क्या अच्छा लगता है, नहीं, बेसबॉल अच्छा लगता है, सॉफ्टबॉल अच्छा लगता है, या फिर क्रिकेट, या फिर बैडमिंटन, या फिर क्या बोलते कुछ लिखना, सब कुछ। कैन यू टेक डायरेक्शंस? क्या आप खुद से डायरेक्शंस ले सकते हो? कुछ अच्छा अगर करना हो तो यस यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द क्रिटिसिज्म और फीलिंग अटैक, कुछ भी जो आपको लगता है उसको डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, मतलब कोई निगेटिव कर रहा है उसको आप पॉजिटिव कर सकते हो। डिस्क्राइब योर आइडियल जॉब, आपको क्या काम पसंद है, आपको स्ट्रक्चर का काम पसंद है उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है, हाँ मुझे स्ट्रक्चर का काम पसंद है, जो भी आपको। What was the last book आपने जो पढ़ी थी, लास्ट कौन सी थी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, लास्ट मूवी कौन सी थी आपकी जो आपने देखी थी, उसके बारे में अगर आप पहले से प्रिपेयर हो तो आप बता पाओगे, नहीं तो मैं पूछ लूंगा कि मूवी का डायरेक्टर कौन था तो आप भूल जाओगे, ठीक है। अभी पृथ्वीराज मूवी आई ना, पृथ्वीराज, उसका डायरेक्टर कौन था। तो गोभी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपसे इंटरव्यू पूछ लेते हैं ना कि कोई क्वेश्चन है क्या आपको आपके दिमाग में, तो इसका क्वेश्चन पूछना चाहिए, थोड़ा बहुत जरूर पूछ लेना चाहिए, उससे सामने वाले को लगता है ये इंसान इंटरेस्टेड है, मतलब एक्स वाई जेड पर्सन कंपनी के लिए इंटरेस्टेड है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बताओ कि आप कहाँ से हो, तो अगर आप बता रहे हो दैट मीन मुझे फील होना चाहिए कि हाँ यार ये सब इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, तो इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर योर सक्सेस, आपकी सफलता का राज क्या है। किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी की मजबूरी, किसी की हॉबी, कुछ भी हो सकता है। व्हाट आर द सम पेट पीप्स, कुछ आपने ऐसा कुछ पाला वगैरह था अपने लाइफ में, ऐसा कुछ डॉग वगैरह ऐसा कुछ, या फिर कुछ अपने हैबिट्स को पाल रखे हैं आपने, जैसे कि कुछ लोग ड्रिंक का हैबिट्स है, कुछ लोग का सिगरेट का हैबिट्स है, ठीक है। आर यू अ रिस्क टेकर, क्या आप रिस्क लेने में बिलीव करते हो। विच ऑफ यू योर स्किल्स कैन स्टैंड इम्प्रूवमेंट एट दिस टाइम, इस समय आप ऐसा क्या सीख रहे हो जिससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो आप बता सकते हो कि मैं सीमिक सिविल से ऑटोकैड का कोर्स सीख रहा हूँ जिससे कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक एंड हाउ डिड यू हैंडल इट, आपका सबसे हार्डेस्ट डिसीजन क्या था और उसको आपने कैसे हैंडल किया, जिससे कंपनी को पता चलता है कि आप कितना बड़ा सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको प्रोफाइल देगा, उसी हिसाब से आपको सैलरी देगा। तो आप पहले से प्लान करके रखो कि मुझे ये कहानी सुनानी है, हो सकता है वो सच हो सकता है किसी और का सच हो, आप बस कहानी एक्सेप्ट रखो, ठीक है। Who has been a major influence in your life? कौन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके फादर, आपके मदर, आपके टीचर, आपके कोच, आपके जो पेरेंट्स, कोई भी, कौन आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। कभी कभी कुछ लगे पूछ योर आइडियल पर्सन, तो आइडियल पर्सन में हमेशा आपको अपने फादर का नाम लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे क्या होता है कि कोई सामने वाला ज्यादा क्वेश्चन पुट नहीं करता। अगर आपने आइडियल पर्सन अटल बिहारी वाजपेयी बोल लिया, कहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ से पहली बार चुनाव लड़े थे, 10 तरह के क्वेश्चन आपको पता, ठीक है। व्हाट डू यू वरी अबाउट, किसके बारे में आपको टेंशन है, मतलब डेडलाइन के बारे में टेंशन होती है, किस चीज के बारे में टेंशन होती है। व्हाई डू यू वांट टू स्विच फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों जॉब करना चाहते हैं, तब आपके पास आंसर नहीं है, आप उस समय सोचोगे, सोच के हमेशा गलत आंसर बताओगे क्योंकि अचानक सोचना पड़ेगा और एचआर इतना फास्ट होती है, तो बस ऐसे बोलेंगे व्हाट Do you want to switch? Why do you want to switch from say, private sector to government sector to private sector? आप confused हो जाओगे क्या वहाँ? Are you a self starter? आप खुद से ही सब कुछ कर रहे हो अपने life में भी करते हो? How have you benefited from your disappointments? तो disappointments को कैसे benefit में लेके आते हैं? ये बताओ। How
हाउ डू यू प्लान योर टाइम, आप अपना पूरा दिन कैसे प्लान करते हो, कैसे उठते हो, कैसे काम करते हो, कब प्रैक्टिस करते हो, ये सब कुछ। कैन वी चेक योर रेफरेंस, आप क्या बोलते हैं, कहाँ से रेफरेंस आपको मिला, मैंने रेफरेंस दिया जॉब का, या फिर गूगल ने दिया, या फिर यूट्यूब फेसबुक, कहाँ से जॉब का रेफरेंस मिला। हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शन, अभी मैं अगर आपको रिजेक्ट कर दिया, जॉब नहीं दिया, तो आप कैसे इसको फेस करोगे। ये थे कुछ क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस जो कि फ्रेशर्स के लिए है। सभी फ्रेशर्स लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लेना, मुझे, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आप दिखाओ, आपका मर्जी होगा तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो कि सर मैंने ये आंसर लिखा है, गलत है, सही है। अदरवाइज आप अपने डेस्क पे भी कर सकते हो इस चीज को। 32 के 32 क्वेश्चंस को प्रॉपर लिखिए, लिख के उनके आइडियल आंसर्स लिखिए। आप इसे भी आंसर ले सकते हो, खुद से भी ले सकते हो, सबको 32 क्वेश्चंस तैयार होना चाहिए, ठीक है जी। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि जॉब में होंगे, ठीक है, उनसे थोड़े से और टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ठीक है, तो आपको भी काम देगा, जो फ्रेशर्स है, जब आप थोड़े दिन जॉब कर लोगे तो आपसे भी पूछा जाएगा कि व्हाट डोंट यू लाइक अबाउट योर करंट प्रीवियस एम्प्लॉयर, जहां पे भी काम कर रहे हो, अभी जहां पर भी काम कर रहे थे, वहां क्या आपको पसंद नहीं है। How long have you been looking for a job? कितने टाइम से आप जॉब सर्च कर रहे हो? कई लोग बोल देंगे मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, मतलब सर्च कर रहा हूँ, मतलब आप बहुत ग्रीडी हो, आपको उस कंपनी से कम करनी है, ठीक है, कभी ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। What do you know about your our company? आप अपनी कंपनी के बारे में, मतलब हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, जिसके बारे में इंटरव्यू ले रहे हो? कभी भी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाओ तो पूरा उसका होमवर्क करके जाना चाहिए। होमवर्क मतलब जो मैंने कहा असाइनमेंट नहीं दी, होमवर्क मतलब कंपनी का करंट प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, प्रीवियस प्रोजेक्ट कौन कौन से रहे हैं, जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है इंटरनेट से निकाल के तब जाओ। फिर आपसे कंपनी पूछे कि विच जॉब और ड्यूटीज हैव यू एंजॉय मोस्ट, कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, विच जॉब और ड्यूटीज यू हैव एंजॉय लीस्ट, कौन सा काम आपको पसंद नहीं आता। कुछ लोग को इसे, मुझे अकाउंटिंग वर्क का मजा अच्छा लगता है। हाउ डू यू गेट अलोंग विथ योर करंट फॉर्मर बॉस, जो भी आपके बॉस थे, या फिर क्या बोलते हो, फॉर्मर पुराने बॉस थे, उनसे आपका कैसा संबंध था। हाउ डू यू डील विथ पीपल्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वैल्यू सिस्टम्स फ्रॉम योर फॉर्म, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ रहते हो, उनसे कैसे डील करते हो, कल उनसे काम कराना हुआ तो कैसे काम कराओगे, इस चीज के बारे में आपको आंसर आपका क्लियर होना चाहिए। जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे सैलरी के बारे में बस ये पूछा जाएगा, वो व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपको एक आंसर देना है एज पर इंडस्ट्री नॉर्म, खत्म। लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनका बड़ा समस्या होता है, क्यों, उनसे पूछा जाएगा व्हाट सैलरी आर यू लुकिंग फॉर, क्या सैलरी आप देख रहे हो, कितना सैलरी आपको चाहिए। हो सकता है वो सैलरी कंपनी को लगे कि ज्यादा है, तो बोलेगा दैट्स अ लिटिल हाई फॉर अस, कैन यू कम डाउन अ लिटिल। अगर आप उसको पसंद आ गए, उसको लगता है कि आपको हायर करना चाहिए, तो आपको, आपसे बोलेगा थोड़ा पैसा कम कर लो यार, आपको हायर करना चाहते हैं, हमारे कंपनी का बजट थोड़ा कम। हाउ मच मनी यू आर वर्थ, आपको अगर हायर करते हैं तो आपको कितना आप वर्थ करते हो, मतलब कितना आपको मनी पे करना चाहिए। व्हाट सैलरी आर यू मेकिंग नाउ, अभी क्या सैलरी बना रहे हो, कितना पैसा ही बना रहे हो, वो पूछ सकता है कंपनी। व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद तक कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, ये भी पूछ सकता है कि वेयर यू विल बी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। यू हैव बीन स्टक इन द सेम पोजीशन एट बेसिकली द सेम सैलरी फॉर द पास्ट 5 years एट योर करेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर, कई ढेर सारे लोग एक ही काम के लिए फंसे रहते हैं किसी कंपनी में। मेरा दोस्त एक एजेंसी में काम करता है, उसका काम जो है बहुत ही सिंपल है, बिल बनाने का काम है, वो डिजाइन इंजीनियर बट वो बिल बनाता है। अब उसको काम करते करते 9 साल हो गया, गया था वो मैकेनिकल का है, तो गया था तो वो डिजाइन सीखने के लिए, डिजाइन में काम करने के लिए, बट अब उसको प्रोफाइल चेंज करने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे कंपनी को। इसके बाद कंपनी आपके अंदर देखती है कि आपके अंदर टीम वर्क है क्या, आप लीडर बन सकते हो क्या, मतलब टीम लीडर वगैरह बन सकते हो। उसके लिए क्या पूछेगी पता है, आपसे पूछेगी हैव यू एवर हैड अ प्रॉब्लम इन डीलिंग विद अदर पीपल, आपको कुछ प्रॉब्लम आया फाइनल किसी से करवाने में या फिर बात करने में। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू प्रीफर टू वर्क विद, किस
किस तरह के आदमी के साथ आप काम करना पसंद करते हो, जो ऑनेस्ट हो, जो हार्ड वर्किंग हो, या फिर जो भी आपका, व्हाट काइंड ऑफ पीपल? आपको अगर आंसर नहीं मिलेगा कहीं पर भी गूगल पे भी, तो आंसर यहाँ दिया हुआ है। मेरा कहना है कि आप जब सर्च करोगे तो आप अच्छा आंसर सर्च करोगे। व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू वर्क विद? किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना कम पसंद करते हो, या लोगों के साथ लगता है आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा काम करना? कैन यू टेल मी अबाउट योर मैनेजमेंट स्टाइल? आप मैनेजमेंट कैसे करते हो? ये सब हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, हायर लेवल एचआर के क्वेश्चन, जहां पर सैलरी अच्छी मिल। फ्रेंड, डू यू एक्सपेक्ट टू बी प्रमोटेड? कब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्रमोशन चाहिए? 6 महीने में चाहिए, कि साल भर में चाहिए, कि 3 साल में चाहिए? व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड? किस क्यों आप स्ट्रक्चर्स के फील्ड में क्यों आना चाहते हो? आप प्लानिंग कर रहे थे, आप साइड देख रहे थे, यहाँ पर क्यों आ रहे हो? तो आपके पास राइट आंसर होना चाहिए। व्हाट आर योर कैरियर गोल्स एंड व्हाई, हाउ डू यू प्लान टू अचीव देम? आपका कैरियर का गोल क्या है? पूछ सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेफिनेटली फ्राइडे को पूछूंगा। तो आपके पास एक आंसर होना चाहिए, मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है, या फिर मेरा कैरियर गोल ये है, एक फिक्स होना चाहिए। डू यू प्रीफर वर्किंग विद अदर और अलोन? अकेले काम करना पसंद करते हो कि सबके साथ मिलकर करते हो? इससे पता चलेगा आपके अंदर टीम लीडिंग की क्वालिटी है, टीम में काम करने की क्वालिटी भी कितनी है। How do you operate as a team player? अगर team player हो तो कैसे काम करोगे आप? What are you looking for in your next job? Next job में आप क्या देख रहे हो? How long will you stay in our company? आप मेरे company के साथ कितने साल रहोगे? आप देखो कितना tough question कर दिया। आप कोई क्या answer करेगा कि बस 1 महीना काम करना है या फिर 6 महीने काम करना है? तो आपके पास अगर पहले से thought नहीं है तो आप जल्दी से बोल दोगे 1 साल काम करना चाहता हूँ, 2 साल काम करना चाहता हूँ। हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म विजन हो, ठीक है। व्हाट इज योर नेक्स्ट करियर स्टेप्स? करियर को इम्प्रूव करने के लिए आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो? सेल्स करने वाले हो, क्वालिटी कंट्रोल, कॉपीराइट, क्या क्या? व्हाई डू यू वांट टू चेंज करियर एट द पॉइंट ऑफ दिस लाइफ? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने 10 साल जॉब कर लिया, अब हम क्यों चेंज करना चाहते हैं करियर को? ठीक है, कंपनी पूछ सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा। आप इंटरव्यू देने गए हो तो डेफिनेटली आप जो पूछेगा आपको बताना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों चाहते हो आप करना, मतलब अभी चेंज क्यों करना चाहते हो। अब इससे भी टफ जॉब जो लास्ट स्टेज होता है, फ्यूचर गोल और करियर पाथ होने के कंफ्यूज करता है एचआर, ठीक है। ये जान लो जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके बाद से एचआर की हिम्मत नहीं होगी, 80% ये मेरा दावा है। वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू बी इन 5 ईयर्स? 5 सालों को कहा नहीं। Since you work with the same job as such long time, you have properly, मतलब comfortable हो आप उसी job में, maybe a bit stable, how do you hope a new job or company such as us? आप नई job को कैसे search करोगे अगर आप एक ही job में stuck हो गए हो उसी काम को करते करते? What do you like least in this job? I am not sure having right qualification or not, but the qualification आपका right है कि नहीं आपको पता है कि उसके बारे में। Do you re-entering the labour market, जो भी आपका job है उसमें फिर से आप आना चाहते हो अगर मान लो job change कर दी तभी क्वेश्चन पूछा जाता है। How soon you start? कब से तुम start करने आ रहे हो कोई मौसम नहीं कम। What do you like most about this job? इस काम में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं who do you see as your company competitors and why? आप मेरी कंपनी के कंपटीटर किसको समझते हैं और क्यों समझते हो कि कंपटीटर है? How is your our company supervisor, superior and other in this field? How do you keep the best team and environment in your field? How do you rate your career progress of late? आज के टाइम में आप इन आउट ऑफ अपने कैरियर को कितना रेट? What aspect of your job you rate most important? सबसे ज्यादा बोले जॉब में आप क्या फोकस करते हो? मेक मनी, मेक सेम टाइम, या फिर इंक्रीज एफिशिएंसी, जो भी। What personality traits do you think necessary to success in this field? क्या इस तरह से आपको रहना पड़ेगा, किस तरह से बनना पड़ेगा कि आपको सक्सेस मिले, आपको क्या लगता है? Describe your current job responsibility, ये वाला important है। अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, इंटर्नशिप में क्या सीखने वाले हो,
हाउ मेनी आवर्स डू यू अभी डू यू वर्क, कितना घंटे आप काम कर सकते हो, हाउ डू यू डू दिस जॉब डिफरेंटली फ्रॉम द अदर पीपल, सारे लोग काम करेंगे आप क्या अलग करोगे, आर यू विलिंग टू टेक ड्रॉप टेस्ट एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको बताना पड़ेगा okay, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो दिस टाइम डिफिकल्ट सिचुएशन एट वर्क एंड हाउ यू हैंडल इट, कैसे आप हैंडल करो, हाउ विल यू चेंज योर जॉब सेवरल टाइम्स इन द पास्ट 3 इयर्स, अगर आप बार बार जॉब चेंज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंस योर जॉब ओपन लॉट ऑफ फ्यूचर्स, इज पॉसिबल टू गो टू वर्क हियर, या फिर आपसे पूछ सकते हो व्हाई वर यू फायर, क्यों आपको बाहर निकाला गया जॉब, अगर आप किसी सेल्स कंपनी हो तो कैन यू सेल ऑन और प्रोडक्ट, आपसे नहीं पूछा जाएगा जो सेल्स वाले हैं, आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू यू लीव योर पास्ट जॉब, ये सबसे हमेशा पूछा जाता है। डेफिनेटली प्रेसेस लोग एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर खुद ही बताएंगे, वॉट आर दम मिस्टेक्स यू हैव बीन मेड प्रीवियस जॉब, क्या आपने गलती की पुराने जॉब, वॉट डू यू लर्न फ्रॉम योर आउट योर मिस्टेक्स इन द जॉब, अपने पुराने जॉब से अपनी क्या क्या सीखा, एंड वेयर एल्स यू आर लुकिंग अप्लाई फॉर अ जॉब, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप सोचो कि क्या आंसर करो, और कहाँ पर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, क्या आंसर करो। ये है 84 क्वेश्चंस, बिलीव करिए अगर इनको आपने सही तरीके से क्लियर करके पढ़ लिया तो इंटरव्यू में आप सोचो कि इसके बाहर से एचआर क्या पूछेगा, इसके बाहर से एचआर क्या पूछेगा, डेफिनेटली सब कुछ कवर हो गया इसके अंदर, आप जॉब क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, हॉबी क्या है, सैलरी क्या लोगे, हर तरह के इसमें क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बोलूंगा जैसा मेरा एक नोटबुक है, क्योंकि मेरा नोटबुक है जिसमें मैं आपका सारा काम लिखता हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा वीडियो बनाना है, क्या टॉपिक पर क्लास लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, सब लिखता हूँ। ऐसे ही आप भी अपना क्वेश्चंस और आंसर लिख लिए दो तीन बार पढ़ लेना, पढ़ोगे तो क्या होगा, जब इंटरव्यू में आपसे पूछूंगा तो आपके अंदर घबराहट कम रहेगी, क्योंकि आप एक बार उसका प्रैक्टिस करके बैठे रहोगे, आप उसको पढ़े रहोगे पढ़ने से, ठीक है जी। अब यहाँ तक में कुछ किसी को डाउट है कोई पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ आए ही हैं आपके डाउट को सॉल्व करने। अब अंधेरा पढ़ना था, पहले अंधेरा पढ़ेगा तो आपको समझ में कम आएगी, थक चुके होंगे आप लोग, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, किसी को कोई क्वेश्चन हो, विकास अभी आप आए हैं, आकाश विकास आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है, और क्या बोलते हैं आप सब हो गया, हम बस पहुंच गए घर पे, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछो आराम से, या फिर कोई इंटरव्यू गया अगर इधर बीच में उसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो बता सकता है कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा किसी के साथ है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, देखो बार बार मैं आपको बोलता हूँ, इससे आपको क्या बोलते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था टेलीफोन पे तो आप शेयर कर सकते हो, सर ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर किसी और को कोई डाउट है सर क्या आंसर देना चाहिए इस क्वेश्चन का, कोई पूछ सकते हो, कोई कुछ नहीं हुई विकास आकाश गूगल मीट पे होगा, गूगल मीट पे होता है वो।